ये है बेंटो 1.5 डीजल, इसमें आवाज़ आ रही है, आप सुन ही रहे हैं कैसी आवाज़ है, बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन में कुछ खुल गया, लेकिन ये ऐसी वो नहीं है, इसमें इसकी ड्राइविंग आवाज़ कम हुई है, अभी आप आवाज़ सुन लो अच्छे तरीके से, फिर मैं अभी इसको देख रहा हूँ करना स्टार्ट हो जाए। देख लो इतनी भयंकर आवाज़ है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजन में खुल गया, तो देखेंगे कि धुआं से उठ रहा है, धूल से उठ रही है, तो अब इसकी ड्राइविंग में आवाज़ है तो अभी इसको खोलेंगे। देख लो आप अच्छी तरह से, फिर मैं इसकी ड्राइविंग डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ। तो यह है, हमने इसका गियरबॉक्स रिमूव कर लिया, अब इसमें ये देख रहे हैं ना पिले, ये पिले भी होती है किसी किसी में, और किसी में पिले नहीं होती, वो जाम हो जाती है, तो अभी इसमें पिले है, तो ये आवाज़ पिले के कारण थी। ठीक है, और अभी मैं इसको निकालता हूँ। इसकी सील भी, जो मेन सील होती है, वो भी सीपेज हो रही है, सीपेज ऑयल सीपेज यहाँ पर, तो इसको साफ करना पड़ेगा। अभी ऐसे कंडीशन में चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको साफ़ कर दूँगा, हल्के फुल्के है क्योंकि ये महंगी सील है। और ये निडल बैरिंग ये भी चेंज होगी, क्योंकि जब फ्लाईव्हील चेंज होता है तो ये बैरिंग भी चेंज होती है। तो अब देखो आप, इसकी सफाई प्रॉपर हो गई है, हमारे पास क्लीनर होते हैं, मैं उससे साफ़ करता हूँ, तो ये हो गई है साफ क्लीन अच्छे से, और बैरिंग भी चेंज कर दिया है मैंने। ठीक, और अब इसका देखते हैं ड्यूल क्लच, ज़रा ड्यूल क्लच, ये मल्टी क्लच है ये, इसमें ये देखना है कहीं जाम तो नहीं है, कुछ फंसा तो नहीं है इसमें, क्योंकि गाड़ी काफ़ी चल चुकी थी ना, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। और कई कई बार फ्लाईव्हील के साथ ही क्लच भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी तेज़ जब उसमें वाइब्रेशन हो जाती है तो ये क्लच ख़राब हो जाते हैं। तो ये रहा ओल्ड पार्ट, ये निकला हुआ पार्ट जो कि फुली डेड हो गया है, ये देख लो आप, एकदम ही ख़त्म है। ठीक है, अब इसको हटाओ, साइड करो, तो ये रहा अपना ट्रांसमिशन DSG-7, ये पूरा गियरबॉक्स होता है, ये मेगाटोनिक यूनिट है ये। तो अभी थोड़ी इसकी साफ सफाई करके और इसको फिर फेट करते हैं अभी हम। तो पहले मैं इसमें लगाएंगे फ्लाईव्हील इसकी, ये देखो ये इतना सारा हिस्सा खोलना पड़ता है, आप देख लो, ये है लोकेशन होती है गियरबॉक्स की यहाँ पर, तो ये सारी सफाई करनी पड़ेगी इसकी। तो और ये देख लो आप, ऊपर से देख लो, हमने इंजन को रोक रखा है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास स्टैंड है, तो मैंने स्टैंड लगा रखा है इसमें, वो स्टैंड आपको दिख नहीं रहा है इसमें, बस स्टैंड लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूरा केयरफुली है इंजन, कोई वो नहीं। तो ये है ओल्ड फ्लाईव्हील जो कि पूरा डेड है, हटाते हैं, अब नया निकालते हैं हम इसमें से, ये देख लो नया हमारे पास है, लुक कंपनी का है, जो कि जेन्युइन है, फॉक्सवैगन का जेन्युइन है,
यह है न्यू कंडीशन है एकदम बढ़िया। तो मैं अभी इसको फिट करूँगा और इसके साथ में इसकी बोल्ट भी चेंज करूँगा। ये देख लो आप, प्राइस देख लो आप इसके, ये देख लो आप 16,000 के समथिंग है ये, जो कि यहाँ आपको रेट लिखा हुआ है। मैं इसके जो वन टाइम यूज बोल्ट होते हैं जो फ्लाईव्हील के, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये है वन टाइम यूज बोल्ट होते हैं इसके कुछ, इनको चेंज करेंगे साथ में। और इसकी टॉर्क भी बता दूंगा मैं, जब हम इसको लगाएंगे ना तो जो इसकी टॉर्क होती है टाइट करने के लिए, कितना टाइट करेंगे। तो लगाता हूँ मैं अभी इसको, तो इसका टॉर्क 65 न्यूटन मीटर और 90 डिग्री है। ये वन टाइम यूज बोल्ट होते हैं तो इनको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको नया बोल्ट लगाया हूँ और ये देख लो आप, यहाँ पर पार्ट नंबर और लुक का जेन्युइन है ये, और कुछ कोड होते हैं, ये सीरियल नंबर होता है इसका, ठीक है। तो अब ये देख लो आप टॉर्क रिंच, हमारे पास ये हैवी टॉर्क रिंच है, तो इसमें 65 न्यूटन मीटर लगा करके 90 और अलग से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने गियरबॉक्स लगा दिया, ये देख लो आप, जो कि स्टार्टर मोटर का एक बोल्ट खोलना पड़ता है इसमें, वो भी लगा है। और एक लगा रहता है तो उसी में फिट रहता है गियरबॉक्स में। बाकी हमने ये सारी हाउसिंग के बोल्ट लगा रखे हैं। ये है अपनी ये सिलेक्टर वायर केबल, जो कि मैं यहाँ से लगाऊंगा इसको। और बाकी फिटिंग चल रही है अभी इसके, इंजन ये गियरबॉक्स माउंटिंग हमने लगा दी। और ये है मेगाटॉनिक एयर वेंटिलेशन पाइप होती है ये, जो कि यहाँ पर टाइट होगी यहाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ लगा देंगे, तो बस अब फिटिंग करते हैं यहाँ ऊपर की फटाफट, ठीक है। फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है, अब देख लो आप, ये नीचे साइड का है, ये दोनों एक्सल हमने लगा दिए, ड्राइव शाफ्ट होते हैं ये, एक्सल बोलते हैं इनको या ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये है, अभी मैं यहाँ इसका सबफ्रेम लगाऊंगा, सबफ्रेम भी खोलना पड़ता है। हाउसिंग के बोल्ट सारे प्रॉपर टाइट हो गए हैं जो होते हैं, ये मैं इसका अब सबफ्रेम लगा रहा हूँ। तो मैं अब इसका सबफ्रेम यहाँ से देखो, मैंने इसकी फिटिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट माउंटिंग होती है। बाकी सारी जो मेन फिटिंग है वो हो गई है, बस थोड़ी बहुत ही बाकी है। ये पाइप भी लगा दी हमने, ये पाइप खोलना पड़ता है, ये टर्बो इंटरकूलर। तो ये अपना मेगाटॉनिक यूनिट है, इसका कपलर भी लग गया है, हाउसिंग के बोल्ट प्रॉपर टाइट हो गए सारे। यहाँ से फेंडर लाइनिंग खोलनी पड़ती है, ये फेंडर लाइनिंग यहाँ से खोलना पड़ता है। अब इसको लगाना है, खोलते समय अब इसको लगाना है। अब हम फिट कर रहे हैं इसको, तो अब हम इसको आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर स्टार्टर मोटर की वायर सारी कंप्लीट हो गई है, लग गई है। और एयर वेंटिलेशन पाइप जो मेगाटॉनिक का होता है वो भी लगा दिया है, मेगाटॉनिक यूनिट का कपलर भी लग गया है। अब इसकी ट्रे लगाते हैं, बैटरी ट्रे,
बाकी सारी फिटिंग हो गई थोड़ी बहुत है, ये आपने आपको बताया ही था। तो अब यहाँ से इसी करनी है बैटरी और एयर फिल्टर को फिट, एयर फिल्टर भी क्लीन करके लगाएंगे हम इसका। तो ये हमने सब कुछ फिटिंग कर दिया, इसी बैटरी एयर फिल्टर, बाकी सारी वायर और वैक्यूम पाइप वगैरह सारी फिट हो गई है। तो अब रेडी है, स्टार्ट करने के लिए रेडी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, स्टार्ट है कार और गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप। जब इतना महंगा पार्ट लगा है तो गाड़ी सही तो होगी ही, और डायग्नोसिस एक बार अच्छे से हो जाए तो वहीं काम हो जाता है, वहीं पर समझो 100% समस्या का समाधान हो जाता है। अब हम इसके यहाँ मीटर पर देखते हैं इसे एक बार, ये देखो 84,385 किलोमीटर चली हुई है, ये देख लो अब बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है, पहले कितनी भयंकर आवाज़ थी। और अब देख गियर डाल के चेक कर, अभी क्या है इसे गियर शिफ्ट करके देख, गियर डाल, हाँ चल, बड़े स्मूथली एकदम शिफ्ट हो रहा है, मतलब गाड़ी एकदम नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, थैंक्स।